یک پنل پیامدهای سیاسی و حقوقی جنگ علیه غزه رو ما به صراحت به آمریکایی‌ها گفتیم که اونها بر اساس مساله خود تصمیم گرفتند که چگونه از غزه دخالت کنند، اما ما نیز هرگز به آنها نه دستوری داده ایم و نه دستور خواهیم داد که شما اقداماتتون رو متوقف بکنید. کشور در مجموع 69 کشور حضور. یه هی ایران که ویدیش منتری ایران کے विदेश मंत्री अमेरिका के उस दावे को खारिज कर रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का साथ ईरान दे रहा है और भारतीय सीमा के पास जिन जहाजों पर हमला हुआ है उसमें ईरान का हाथ है। अब इसके बाद ईरान ने बयान दिया है। ईरान ने लाल सागर में जहाजों पर हमलों से जुड़े अमेरिकी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों में गहराई से शामिल होने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आरोप निराधार है। गाजा के समर्थन में जहाजों पर हमला करने का निर्णय यमन का है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल गाजा में आक्रमण जारी रखेगा तब तक जलमार्ग सुरक्षित नहीं होगा। ईरान का यह बयान तब आया है जब पेंटागन ने कहा कि ईरान की ओर से दागे गए एक ड्रोन ने भारतीय तट के पास एक रासायनिक टैंकर पर हमला किया। अब जब ये बयान आया है तो सुन लीजिए कि आखिर ईरान ने क्या कहा है। یک پنل پیامدهای سیاسی و حقوقی جنگ علیه غزه رو ما به صراحت به آمریکایی‌ها گفتیم که اونها بر اساس مساله خود تصمیم گرفتند که چگونه از غزه دخالت کنند، اما ما نیز هرگز به آنها نه دستوری داده ایم و نه دستور خواهیم داد که شما اقداماتتون رو متوقف بکنید. کشور در مجموع 69 کشور حضور بید. इजराइल हमास के बीच जारी जंग के दौरान अब हूती अपना समर्थन फिलिस्तीन को दे रहे हैं और इसी कड़ी में वो अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फिलिस्तीनियों का साथ देने का उनका एक तरीका है और उन्होंने इस बात को लेकर दबाव बनाया है कि जब तक इजराइल को गाजा पर हमला करने से रोका नहीं जाएगा तब तक ये पूरा जो जल मार्ग है उस पर इस तरह के हमले होते रहेंगे। बबल मंदेव गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर में इस वक्त हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा जहाजों पर अब तक हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। सबसे ताजा घटना पिछले 24 घंटों में हूती विद्रोहियों ने दो जहाजों पर हमला किया है, जिसके बाद अब चिंता कई देशों की बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।